आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। उसके लिए सबसे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे कुकर में। हाफ कप के करीब मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप ऐसे सारा डाल दें। उसके बाद हमने 1 बिग साइज का अनियन लिया है, हम वो ऐड करेंगे। देन हम इसमें टोमेटो ऐड करेंगे। फिर हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। 5 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं कि 5 मिनट्स के बाद कुक हो चुका है। अब हम इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट जो है 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। इसको अच्छे से कुक होने देंगे, फ्राइंग में आएगा। फिर हम इसमें ये मसाले डाल देंगे। इसमें मैंने थोड़ा हल्दी पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड थोड़ा सा धनिया जीरा, 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून बटर वही ला। हमने इसमें सॉल्ट एंड पेपर सब ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से स्टिर करेंगे। जिंजर गार्लिक फ्राई हो जाए तो हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। इस स्टाइल से आप बनाएंगे तो बिल्कुल जो है वो हमारा देगी स्टाइल का आलू गोश्त रेडी होगा। ये देखें, जिंजर गार्लिक अच्छी तरह से फ्राइंग हो चुका है। हमने सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया था, वो भी फ्राइंग में आ गया है। अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे। मटन ऐड करके हम इसको 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। उसके बाद हम इसको प्रेशर कुकर में 10 मिनट्स तक प्रेशर देंगे। गोश्त हमारा 5 मिनट अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें पानी डाल के इसको प्रेशर देंगे। अब 4 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर हम इसको बॉईल आने देंगे। उसके बाद हम इसका लिड बंद करके इसको प्रेशर देंगे 10 मिनट्स। पानी बॉईल हो गया था, अब मैं इसको 10 मिनट्स के लिए जो है वो प्रेशर दूंगी। 10 मिनट्स के बाद हम देखते हैं क्या गोश्त गल जाएगा या नहीं। 10 मिनट्स के बाद अब हम इसे खोल के देख रहे हैं तो आई थिंक ये प्रीटी मच डन हो चुका है। आप एक बूटी निकाल के जो है वो चेक करें। इसका पानी ड्राई कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से भून के फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि जो आलू गोश्त है इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है और इसमें ऑयल थोड़ा सा निकल आएगा, तो फिर हम इसमें आलू शामिल करेंगे इसको अच्छी तरह से भून के। इससे पहले आलू नहीं शामिल करेंगे, नहीं तो टेस्टी नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं इसका पानी सारा ही ड्राई हो गया है ऑलमोस्ट, ऑयल जो है वो भी नज़र आने लग गया है थोड़ा थोड़ा। ये देखें, अब ये बिल्कुल भुन चुका है और इसका ऑयल भी जो है ये बाहर आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। इस स्टेज पे हम इसमें आलू ऐड करेंगे। ये 3 मीडियम साइज के पोटैटो मैंने कट करके रखे हुए हैं, ये हम ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर भून लेंगे। ये देखें, इस स्टेज पे आप इसका सॉल्ट भी चेक कर सकते हैं और अगर आपको कम लगे तो आप मोर ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, आलू भी जो हैं वो ऑलमोस्ट भुन चुके हैं और इसका ऑयल भी निकल आया। ये देखें, ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा तो निकल आया। अब हम इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे और आलू के गलने तक हम इसको कुक कर लेंगे। आलू जो हैं वो 10 मिनट्स में ऑलमोस्ट गल जाते हैं। अब हम इसको ढक के 10 मिनट्स पकाएंगे। ये देखें जी, हमारा यम्मी आलू गोश्त रेडी है। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको कैसा लगा। टिल देन, बाय बाय। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।